नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के छोटे से गांव से आया लड़का सोनू की। सोनू जो बिहार के छोटे से गांव से आता है और ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में हर जगह बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि योगेश सर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वायरल हुए बच्चे पर एक वीडियो करने की। मैं अभी बताता हूँ पूरी बात। ये वीडियो कहीं ना कहीं शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है ताकि ज्यादातर लोगों के पास ये सोनू की कहानी पहुंच सके। अच्छा, सोनू की कहानी बताने से पहले मैं आपको सोनू के बारे में बता दूं। ये जो लड़का सोनू आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लड़का सोनू, ये जो सोनू है ये बिहार में एक छोटे से गांव से आता है और इसको पढ़ने का बहुत शौक रहता है। इसकी जो उम्र है वो मात्र और मात्र 11 वर्ष होती है, सिर्फ और सिर्फ 11 वर्ष। और यहां रखिए ना, ये लड़का जो है कक्षा 6 का लड़का है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है पढ़ाई करने में और पढ़ना भी बहुत सारा चाहता है, लेकिन इसके जो पिताजी है ना वो दही का काम करते हैं, दही बेचने का काम करते हैं, लेकिन सारी की सारी जो कमाई है वो शराब में उड़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में शराब बंद है। अब शराब बंद है तो ये सारी कमाई शराब में कैसे उड़ा रहा है वो तो आप सब लोग को पता है कि बंद तो हमारे कागज में होता है और सही मायनों में कुछ भी चीज़ बंद नहीं है। ठीक है, इसे पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा शौक है कि इसने जो है पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी शुरू किया। ओके, अब शराब पीने की वजह से इसकी पढ़ाई आगे पूरी नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि इसका जो स्कूल था विवेकानंद, उससे इसका नाम भी कट कर जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। परेशान होने के बाद इसको ये पता चलता है कि 2 दिन पहले, मतलब आज से 2 दिन पहले, नीतीश जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, नालंदा जिले में आते हैं। नालंदा जिले में इनकी कह सकते हो कि धर्मपत्नी की पुण्यतिथि थी, तो नालंदा जिले में पहुँचते। फिर ये अचानक से लड़का उस रैली में आ जाता है। मैं इसे आ जाना ही बोलूंगा, घुस जाना नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस टाइम पूरा हक है उस रैली में आने का। ये जनता दबार रहे हुए होते हैं नीतीश कुमार। अब लोगों को तो पता नहीं है कि ये लड़का भी एक बड़ा सवाल लेके आएगा सामने। और जैसे ही लड़का जो है नीतीश जी के सामने आता है तो इसका प्रश्न बस इतना ही से रहता है, हाथ जोड़ के बोलता है कि साहब मुझे पढ़ने दिया जाए, मेरे पिताजी सारा का सारा पैसा दारू में उड़ा देते हैं, कृपया करके मुझे पढ़ने दिया जाए। अब सारे के सारे फोटोग्राफर की नजर भी इस पर पड़ जाती है, तो नीतीश जी को भी इनका जवाब देना पड़ता है। इसने आप बीती जितनी मैंने आपको बातें बताई, इसने सारी की सारी बातें नीतीश जी को कही कि मेरे पिताजी शराब पीते हैं, जबकि शराब जो है पूरी तरह से बिहार में बंद है, सारा पैसा शराब में उड़ा देते हैं, दही बेचते। यहां तक कि ये लड़का जो दूसरों को पढ़ाकर, आप सोचिए 11 वर्ष का बच्चा दूसरों को पढ़ाकर जो पैसे लेके आता है वो भी शराब में उड़ा देते हैं उनके पिताजी। अब इसके बाद इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि डायरेक्ट जो है कह सकते हो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से जाकर मिल जाता है और अपनी जो भी इसकी कह सकते हो व्यथा है उसको बताता है। ठीक है, ये बात सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा कह सकते हो इसको एक प्रकार से कह सकते हो अटेंशन में ले लेते हैं, बातें सुनते हैं। ठीक है, तो जब से ये इन्होंने मिला इनसे, तब से ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है। और वायरल सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने 11 वर्ष के बच्चे ने एक इतनी हिम्मत दिखाई कि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से जाके कहता है कि सर आप जो बोलते हो शराब बंद है, वो शराब बंद नहीं है। और इसने साफ साफ ये भी बोला कि सर मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे पढ़ना है। यहाँ तक कि इस बच्चे ने यह भी बोला कि मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना। सरकारी स्कूल की भी पूरी तरह से पोल खोली और पोल खोलने के बाद कहता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। एक इंग्लिश वाले टीचर का इन्होंने नाम भी बताया इस बच्चे ने कि वो इंग्लिश वाले टीचर है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं, मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। ये इसलिए नहीं कहता मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना कि वहां की दीवारें अच्छी नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात का है कि सरकारी स्कूल में उस स्तर पर पढ़ाई नहीं होती जैसे वो पढ़ना चाहता है, या फिर जो उसका नॉलेज चाहिए। ओके, तब जैसे ही नीतीश जी से मिलता है उसके बाद ये लड़का बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। इस लड़के का नाम है सोनू है और सिर्फ 11 वर्ष का बच्चा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये 11 वर्ष का बच्चा, जैसे ही इसको पता लगा कि मेरी शिक्षा कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है, इसने डायरेक्ट जाकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा। मतलब आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी से जाके लड़ो, बात समझिए, मैं एटलीस्ट ये पूछ सकता हूं कि आप उससे जाके पूछिए, तो सवाल तो कर सकते हैं ना कि हाँ अगर मेरी शिक्षा नहीं हो पा रही किसी वजह से तो क्यों नहीं हो पा रही, कहां पर फॉल्ट आ रही है। तो आपको लड़ना किसी से नहीं होता, एटलीस्ट सवाल पूछना होता। मैं एक बात ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये टेबल और टेबल जो है सोनू की बात नहीं है, ऐसे ढेरों सोनू बिहार राज्य में है,
ऐसे ढेरों सेनू झारखंड है, मध्य प्रदेश है, इनके छोटे छोटे जो गांव हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, ऐसे ढेरों सोनू होंगे। तो ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं दाब दुए जाते हैं, मतलब अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही तो ठीक है आप मत पढ़ो, जो भी आपको मजदूरी करनी है, जैसा काम करना है वैसा काम करिए। ये छोटा सा कह सकते हो कि एक उदाहरण है उन सब लोगों के लिए जो लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई को अपनी साइड में कर देते हैं छोटे मोटे कह सकते हो कारणों से। तो मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के, और आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसपे छोटे छोटे कारणों की वजह से किसी बच्चे की शिक्षा नहीं हो पा रही, या उस शिक्षा में कह सकते हो किसी तरह का व्यवधान आ रहा है, तो आप प्लीज उसको दूर करिए। अपने भारत देश में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, मतलब मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि शिक्षा या तो फ्री होनी चाहिए या तो एट लोएस्ट कॉस्ट होनी चाहिए। बहुत सारे कह सकते हो टीचर इस बात को करते भी हैं, चाहे मैं खान सर की बात करूं या और भी बहुत सारे नामी टीचर हैं जो कहीं ना कहीं इस स्तर पे काम करते हैं कि शिक्षा को या तो फ्री करने पे लगे हैं या फिर शिक्षा को एट लोएस्ट कॉस्ट पे करने लगे हैं, चाहे फिर वो छोटे से छोटा कह सकते हो गरीब से गरीब परिवार का बच्चा हो या फिर अमीर से अमीर परिवार का बच्चा हो, दोनों का जो एजुकेशन लेवल हो वो सेम हो। अच्छा ये बात तो चलो ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप थोड़ा शिक्षा के बारे में इसको भी देखिए। देखो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप बड़े बड़े एसी रूम पे बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही वाले स्थानों पर शिक्षा होती हो, आपकी जो पढ़ाई वो ऐसे स्थानों पर भी हो सकती है जहां पर आपके कह सकते हो एटमोसफियर ना बने या फिर कह सकते हो आपके मन मुताबिक चीजें ना हो। आप थोड़ा इस महिला को देखिए, जरा ये महिला देखिए, आपके बोर्ड पर पूरे के पूरे बोर्ड पर गणित के सारे फॉर्मूले लिख दिया और बच्चों को पढ़ा रही है, और सारे के सारे बच्चे देखिए कहां पर पढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर बैठने के लिए भी जगह नहीं है। ये भी शिक्षा है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप एसी वाले रूम पे बैठे हो और वो शिक्षा, बिल्कुल भी नहीं। आप इस टीचर को भी देखिए किस जगह पे बोरी पे बैठ कर जो है कह सकते हो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो शिक्षा कैसी भी हो सकती है, कहीं पर भी मिल सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है एसी वाले रूम पे ही आपको अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस टीचर को देखिए, दीवार पे ही सारे के सारे गणित के कह सकते हो चित्र बना दिए, सारे के सारे कह सकते हो ABCD के लिए चित्र बना दिए, ये भी शिक्षा है, है ना। तो अगर आप लोगों को कहीं से भी मिल रही है शिक्षा, कैसी भी मिल रही है, आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपका शिक्षा में व्यवधान आ रहा है तो प्लीज एक बार पूछिए तो एटलीस्ट ऐसा क्यों हो रहा है। पूछने वाले हम लोगों के लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल, आप इस लड़की का नाम जरूर सुना होगा, निर्मला चौहान नाम था। बस में आने की वजह से कह सकते हो अपने स्कूल लेट पहुंचने की वजह से इसने भी एक बार सवाल उठाया था, और सवाल उठाने के बाद यह भी बहुत फेमस हुई। आप लोग को लगा हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं कि मैं भी एक टीचर हूं और मेरा भी ये फर्ज है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, क्योंकि जब एक बच्चा शिक्षित होता है तो सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, उसके अलावा उसकी जो परिवार है, आने वाली जो पुश्ते, आप लोग देखिए ना, आज जो है क्यों IAS का लड़का IAS बन जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो उसको शिक्षित करना जानता है। आज क्यों जो है क्या बोलते हैं, कह सकते हो कि एक बूट पॉलिश करने वाला लड़का बूट पॉलिश ही करता रह जाता है, क्योंकि उसको नहीं पढ़ाता। तो बात आपको अगर समझ में आ रही है कि शिक्षा एक कह सकते हो ऐसा साधन होता है जिसके बाद आप खुद ही नहीं, आपकी आगे आने वाली जितनी भी वंशे हैं, जितनी भी पुश्ते हैं, वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती हैं और वो भी कह सकते हो एक समाज में ग्रोथ ला सकती हैं। ये घटना मेरी भी थोड़ी सी जुड़ी हुई है, ये शराब वाली घटना, ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी या जिनके अभिभावक शराब पीने की वजह से या बुरी आदतों की वजह से उन बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाते, काम पे भेजते हैं, शुरुआत में ही छोटे में ही काम पे भेजते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये मेरी आप बीती बात है, मतलब मेरे पिताजी भी बहुत पहले जो है काफी ज्यादा शराब पीते थे, इस समय तो वो एक्सपायर हो चुके, 2014 में एक्सपायर हो गया। कई कई दिन मैं लगातार जो है अपने चाट के ठेले पे चाट बेचा करता था, और उस समय मेरी कह सकते हो जो क्लास थी वो ज्यादा नहीं थी, कक्षा 7 या 8 में मैं पढ़ा करता था। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर भी किया है ये चीज। अब देखिए, ये देखिए, ये मेरी अभी बहुत पुरानी फोटो नहीं है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली की फोटो है, क्योंकि उस समय तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जब मैं चैट बेचा करता था। सही बात ये भी है। तो आप बिलीव नहीं मानेंगे कि पापा के शराब पीने की वजह से मैं तो पढ़ना चाहता था, अब मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मैं सबसे बड़ा था, तो मेरे
पढ़ने की इच्छा से कुछ नहीं होता, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो मेरे घर में एक छोटा भाई है, तो जैसे ही पापा के एक्सपायर हुए तो उन्होंने छोटे भाई ने चाट बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैंने बेचा, उसके बाद छोटे वाले भाई ने बेचना शुरू किया। फिर मैंने जो है अपनी पढ़ाई भी आगे पूरी की, और आप लोग देख पा रहे हो कि ठीक ठाक मैं अपना छोटा बहुत थोड़ा बहुत नाम बना चुका हूँ। लेकिन आज भी मैंने चाट बेचना बंद नहीं किया, आप बिलीव नहीं मानोगे, आज भी मैं घर जाता हूँ तो मैं अपने छोटे भाई को, छोटा भाई नहीं पढ़ पाया मेरा, मुझे बहुत अफसोस होता है। इवन जो है उसने हाई स्कूल भी नहीं किया, सही बात है नहीं किया, लेकिन मैं आप धीरे धीरे उसको करवा रहा हूँ, लेकिन उसकी उम्र बहुत हो चुकी है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ उसको हाई स्कूल इंटर एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक तो मैं पढ़वाऊंगा ही पढ़वाऊंगा। तो मैं जब भी कभी घर जाता हूँ तो मैं उसको हटा देता हूँ, मैं खुद घर जाके चाट बेचता हूँ, है ना। तो आप बिलीव नहीं मानोगे, हिम्मत चाहिए होती है यार। ये लड़के ने जो काम किया है ना, रियलिटी में ये हिम्मत वाला काम है। काश मेरे पास भी वो हिम्मत आई होती आज से 10 साल पहले, अगर मेरे पास भी वो हिम्मत आई होती ना तो मैं भी शायद कहीं और होता, और मेरा छोटा वाला जो भाई आज वो पढ़ नहीं पाया, शायद वो भी कहीं और होता। तो मैं आपसे बस इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती है जिसमें वो आपके जान पहचान के हो या ना हो, सगे हो या ना हो, लेकिन आप कृपया करके इस घटना का साथ मत दीजिए, इसका पूरी तरह से विरोध कीजिए। आप किसी चीज के बारे में बीच में बोलिए ना बोलिए, लेकिन अगर किसी बच्चे को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, चाहे वो आसपास के लोग हो या फिर उसके खुद माँ बाप हो, अध्यापक हो, तो आप एटलीस्ट उनसे पूछ तो सकते हैं भाई कि इस बच्चे की क्या गलती, आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। हर चीज आजकल जो है आप देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है वो देश में लागू हो चुका है, 6 से 14 वर्ष आपको फ्री शिक्षा ही मिलेगी, फ्री खाना ही मिलेगा, तो ऐसा क्या है। तो जो आप छोटी छोटी नीड होती है ना घर वालों की, वो पूरी करने के लिए हम लोग अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं। कृपया करके ऐसा मत करो यार, अगर ऐसा आपके पास पास हो रहा है तो कृपया करके इसको बंद कर दीजिए ना। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियो के थ्रू अपनी बात को रख भी सकते हैं कि सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग आज भी मेरे पास फोन आते हैं कि सर कहते हैं कि मैं ग्रुप डी की तैयारी करता हूँ और मैं दिन भर ऑटो चलाता हूँ, शाम के आपका वीडियो देखता हूँ। बड़े इंस्पायरिंग लोग है ना। लेकिन ये चलो ठीक है, काम करते करते पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारा कैसे करेगा। ऊपर से ये जो भी पढ़ा के लाता था बाहर से, उसके पिताजी छीन लेते थे। तो ऐसा अगर आप लोग आसपास देखते हो तो कृपया करके उसका विरोध कीजिए। और उनसे विरोध करने का मतलब ये नहीं कि आप मारपीट कीजिए, विरोध करने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप सबसे सवाल पूछिए, सिर्फ पूछिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आपके वश में हो उसका समाधान निकालना तो उसका समाधान भी निकाल दिए, और नहीं बस में है तो जो उसका समाधान निकाल पाएगा उसके पास आप उस बात को पहुंचा दीजिए। और जितने भी लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कृपया करके एक बार सवाल जरूर पूछिए। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने साथ अगर ऐसा किसी के साथ भी हुआ है, बहुत सारे यूजर्स इस चीज को देखेंगे, तो मुझे आप उस बात को भी शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगता है चीजें जब समझ में आती है। लेकिन हिम्मत जुटाइए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।